Good morning, dear students. Hope you all are well. Dear students, we are doing unit 4, section C. So it's a tape script. ये टेप स्क्रिप्ट है जो कि पेज नंबर 106 पे दी गई थी, जिसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज हम क्या करने वाले हैं, जो नीचे दिए गए एक्सरसाइज हैं उसे कंप्लीट करेंगे. लेट्स स्टार्ट. क्रेडिट कार्ड. तो क्रेडिट कार्ड में हमने सब कुछ पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें होती हैं सब एक्सप्लेन किया था वहाँ पर. ओके, तो फर्स्ट क्या है इसमें, मेड ऑफ किससे बनाते हैं, हाई क्वालिटी प्लास्टिक के साथ. सेकंड क्या है हमारे पास, फ्रंट साइड हैज़ नेम ऑफ अ बैंक, ठीक है, नेम ऑफ द कार्ड होल्डर. और लास्ट में क्या होता है, उस पर क्या दिया होता है इसमें, फ्रंट पेज पे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर नंबर, कार्ड नंबर. तो हम लिखेंगे यहाँ पर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर. थर्ड, द बैक साइड हैज़, और बैक साइड पे क्या होता है, होल्डर सिग्नेचर, ठीक है, अ बैंड फॉर डैश. तो बैंड फॉर किस होता है, बैंड फॉर द कंप्यूटर, द कंप्यूटर. बैंड फॉर द कंप्यूटर. फोर्थ वन इज यूज डैट, कहाँ यूज होता है, शॉप्स, टेलीफोन बूथ, सी इन्होंने ब्लैंक छोड़ा है, डी रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स, एंड ई भी इन्होंने ब्लैंक छोड़ा. तो यहाँ पर हमें फिल करना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, मिल्क बूथ. ओके, मिल्क बूथ में भी यूज होता है, मिल्क बूथ्स, बूथ्स. एंड नेक्स्ट इज पेट्रोल, पेट्रोल पंप्स पे भी यूज़ होता है ये, पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप. ठीक है, नेक्स्ट इज इशूड बाय. अब ये जो क्रेडिट कार्ड है कौन इशू करता है, क्या पढ़ा था हमने, बैंक्स. तो वी विल राइट बैंक हियर, बी ए एन के एस, बैंक्स, इशूड बाय बैंक्स. नेक्स्ट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी डेट कैन बी स्पेंट यूजिंग इट. सो क्या लिखा था, बैंक इशू डिफरेंट लिमिट्स, वी राइट डिफरेंट लिमिट्स. Different limits, limits to different individual. Individuals. Different limits to different individual. Hope you have done it. इप मैं फिर से रीड कर रही हूँ. First is already done. Made of high plastic quality. Okay. Second one is front side has name of the bank, name of the card holder and card number. Back side has holder's signature, a band for the computer. Used at shops, telephone booths, milk booths, railway station and airports, petrol pumps. And issued by banks. Maximum number amount of money that can be spent using is bank issue different limits to different individual. Now I will discuss exercise C5. Okay. C4 है वो class discussion है, इसके advantage और disadvantages बताने हैं. ठीक है, तो वो आप study करके खुद ही देख लेंगे क्या advantage होते हैं क्या disadvantage हैं. ओके, नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5 C5. Now write a letter to your friend telling her what you think about
द इंटरनेट। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और बताना है आपको कि आप इंटरनेट के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 101 पे दिया गया है, मैं अपनी नोटबुक में आपको एक्सप्लेन करूँगी। बट आपने क्या किया है, करना है इस पैराग्राफ को, ठीक है। मैं बताऊँगी कहाँ से आपको अपने नोट बुक पर कम्प्लीट करना है। आफ्टर डैट ये करने के बाद, आप बुक में कम्प्लीट करने के बाद, आप इसे अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3-4 लाइन्स जो दी गई है, मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लेंगे कैसे है वहाँ पर। तो फर्स्ट में जो एड्रेस दिया गया है, कॉल फ्रॉम हाउस, ठीक है, विच इज़ ऑलरेडी रिटन इन योर बुक, ड्रीम लैंड, सिटी, डेट, ठीक है। डेट आप वहाँ कट करके, जो भी मंथ है दिसंबर है, डेट भी आप खुद फिल कर देंगे, और ईयर कौन सा है 2020, ठीक है। डियर उर्वशी, तो उर्वी सॉरी, तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं कट करके, ठीक है। अपने फ्रेंड को जो भी आपको इसका नाम आप लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे यहाँ पर। देन लिखा है वहाँ पर हाउ आर यू, ओके, हाउ आर यू स्पेंडिंग योर वेकेशन, वी डिड नॉट गो आउट एनीवेयर दिस ईयर, सो आई एम रियली बोर्ड, ऑल आई डू इज वॉच द टेलीविजन और सर्व द इंटरनेट, इंटरनेट दो बार आ गया तो कर देना इंटरनेट, नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशन मेड सो फार, ओके। तो ये यहाँ तक आपकी बुक में लिखा गया है, उससे आगे आपको खुद लिखना है, ओके। लास्ट लाइन क्या दी इन्होंने, यट, यट भी लिखा हुआ है, तो यट के बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, यट इट हैज मैनी डिसएडवांटेजेस येट इट हैज मैनी डिसएडवांटेजेस हैविंग इंटरनेट एट होम चिल्ड्रन डू नॉट want children do not want to go out of the house they waste their precious time in either surfing sur, ठीक है, इसमें आर एड कर देंगे, surfing surfing the internet or playing games as a result comma as a result their study are neglected they also avoid reading journal books of their standard thus comma reading habit is vanishing among the children due to this internet
Thus, reading habit is vanishing among the children due to this internet. तो यहाँ तक आपको लिखना है, उसके बाद ये जो लाइन है डू राइट, ये ऑलरेडी जो है रिटर्न है आपकी बुक में, ठीक है. डू राइट, तो मैं इसको एक बार सिर्फ रीड कर रही हूँ. डू राइट बैक सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू विद लव योर लविंगली. और लास्ट में क्या लिखा है, इप्सिता. तो यहाँ पर आप कट करके किसका नाम लिखोगे, क्योंकि आप लिख रहे हो लेटर, तो आप अपना यहाँ पर नेम लिखोगे, ठीक है. इप्सिता की जगह आप कट करके अपना नेम लिख दोगे. सो डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.